इस जीत से ज्यादा खुशी ये है कि भारतीय टीम में लगभग आधे से ज्यादा जो रेगुलर प्लेयर थे वह या तो चोटिल थे, इंजर्ड थे, या फिर जैसे कप्तान विराट कोहली टीम के साथ में नहीं थे। उसके बावजूद ये जज्बा इन नौजवान बच्चों का, जिस तरीके से ये खेले, दिखाते हैं कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित है और भविष्य में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे बन करके तैयार हो रहे हैं। तो आपको लगता है तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम और ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन जो समर्थक थे, जो लोग रेसिज्म का शिकार कर रहे थे भारतीय क्रिकेट टीम को, उनको एक कड़ा जवाब मिल गया है, करारा जवाब कह जा सकता है? यह मानना पड़ेगा अब कि ऑस्ट्रेलिया वो ताकत नहीं है जो पहले थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के अंदर जो जज्बा देखने को मिलता है, उसके सामने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, पूरी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, हमारे पूरे बच्चे नहीं थे, हमारे जैसे जसप्रीत बुमराह हो या अश्विन हो या फिर उमेश यादव रहे हो या विराट कोहली अपना यहाँ पर नहीं खेल रहे थे, इन सबों के न होते हुए हमारी टीम ने जिस प्रकार का जज्बा दिखाई, खाता है कि हमारे नौजवान बच्चे, जो नए लड़के ये आए हैं, ये पौध जो है ये बहुत अच्छी। आजाद जी, ये कहा जा सकता है कि जो क्रिकेट ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी को कहा जा सकता है? भारतीय टीम अब कोई अंडरडॉग नहीं रह गया। हाँ। अगर इस सीरीज में जो आपने कहा कि आधा अधेरा जो टीम था, क्योंकि सीनियर्स खिलाड़ी नहीं थे टीम में, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन मीडिया और कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि फिफ्थ डे में 328 रन का चेज करना उतना आसान नहीं होगा टीम इंडिया के लिए। शायद ये बुरे ख्यालों के हो चुके हैं ये ऑस्ट्रेलियन, जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं। आप देखिए कैसे भारतीय झंडे को लेकर, तिरंगे को लेकर पूरी टीम ब्रिस्बेन के मैदान में घूम रही है, जिस प्रकार से प्रदर्शन इन बच्चों ने किया है और दिखाया है, चाहे वहां का मीडिया कुछ बोले, खिलाड़ी वहां के कुछ बोले, इन्होंने अच्छा तमाचा उनके मुंह पर मारा, बढ़िया प्रदर्शन करके, और विशेष करके ऋषभ पंत जैसे लोग जिनको भूख है जीतने की, जिनको भूख है रन बनाने की, ऐसे लोग जब जैसे पहली इनिंग में देखा कि वॉशिंगटन सुंदर ने और शार्दुल ठाकुर ने किस प्रकार से जबरदस्त बल्लेबाजी की और सैकड़े का उन्होंने साझेदारी की थी, तो ये दिखाता है मिलाकर कि कैसे भारतीय टीम एक बहुत ही अच्छे मुकाम की ओर बढ़ रही है। आजाद जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, आपको उम्मीद था ऋषभ पंत, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल जो नौजवान थे, यंग ब्रिगेड बोला जाता था, ये लोग कमाल करेंगे ब्रिस्बेन में? कोई भी कमाल कर सकता है अपने दिन पर अगर अच्छा खेलता हो। भारतीय टीम में खिलाड़ी है और उन्होंने दिखा दिया कि जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने प्रदर्शन किया, और हमारे सामने जैसे गिल, शुभ गिल ने ओपनिंग बैटिंग कितनी अच्छी की, आप देखिए रोहित ने एक मैच में 44 बनाए, लेकिन आप शुभम को देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की, इसने चौथी इनिंग में 91 जबरदस्त रन बनाए हैं, पंत ने इतनी बढ़िया बैटिंग की है, कहानी और पुजारा को तो कहते ही है कि वो एक रॉक सॉलिड बैट्समैन है, एक तरफ खड़ा हो जाता है चट्टान की तरफ तो उसको हिलाना मुश्किल होता है। तो यह एक ऐसी टीम है जिसका बहुत सुंदर एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और यदि खिलाड़ी नहीं भी हैं तो उनके रिजर्व में जो बाहर बैठे बच्चे हैं वह भी अंदर आकर के परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यह सबसे बढ़िया और सबसे सुखद सूचना है, घटना है। ओके, आजाद जी ये भी जानना चाहेंगे, आप इस मैच में खासकर मोहम्मद सिराज जो कि 5 विकेट लिए थे पहले इनिंग्स में, दूसरे माफ कीजिएगा दूसरे इनिंग्स में, और वाशिंगटन सुंदर का परफॉर्मेंस को कैसे देखते, क्योंकि डेब्यूटेंट थे और पहले इनिंग्स में जब जरूरत था तब हाफ सेंचुरी मारे और विकेट भी लिए और आज भी 23 रन का एक वाइटल इनिंग्स भी खेले। आप देखें ना, जब आपके जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, मोहम्मद शमी यह सारे इंजर्ड हों, आर अश्विन नहीं हो, जडेजा वो हो इंजर्ड हो, और ऐसे में सुंदर आके स्पिनर होकर विकेट लेता है, सिराज जिसको मौका मिला उसने मौके का पूरा फायदा उठाया, जबरदस्त बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलियंस उसके सामने हिलते रहे उसके स्विंग और स्पीड के सामने, तो हमारे पास जो प्लेयर हैं वह किसी समय किसी को रिप्लेस कर सकते हैं, केवल एक रिजर्व में टूरिस्ट की तरह घुमाने के लिए, पर्यटक की तरह नहीं जाने की आवश्यकता पड़ती, वह जब मौका मिलता है तो उन्होंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, खास करके ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहाँ पर खेलना मुश्किल हो, रंग भेदी लोगों ने टिप्पणियां की, रेशियल लोगों ने उल्टी सीधी बात की, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर किसी प्रकार का असर नहीं हुआ और उन्होंने करके दिखाया और उल्टा चमाटा मारा उन लोगों के पास जिन लोगों ने इनकी बेइज्जती करने का प्रयास किया। और आगे आगे इंग्लैंड का सीरीज में वो फिर इंडिया में ही खेला जाएगा, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज विन हुआ है उनका ज्यादातर असर इंडिया में भी पड़ेगा और इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही होगा?
क्रिकेट का खेल है बड़ी नामुराद खेल है, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, अगली बॉल पे क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन यह जरूर है कि हर्ष जोशोल्लास और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आत्मविश्वास के साथ भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी।